प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज जापान के हिरोशिमा रवाना होंगे। 21 मई तक प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान ग्लोबल मंच पर दुनिया भारत की ताकत देखेगी। जापान में भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड समिट भी होगी। पहले से समिट सिडनी में होने वाली थी लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऑस्ट्रेलिया के दौरे को रद्द करने की वजह से क्वाड समिट हिरोशिमा में ही होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी जाएंगे। दुनिया के 7 ताकतवर देशों के मंच पर मिला मोदी को बुलावा। भारत की ग्लोबल पावर का दिखेगा हिरोशिमा में नजारा। दुनिया में इंडिया इंडिया, G7 में मोदी मोदी। भारत यूं तो दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के ग्रुप यानी G7 का सदस्य नहीं, लेकिन ये दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके भारत की ग्लोबल पावर का दम है कि मित्र देश जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में आमंत्रित किया। जापान के शहर हिरोशिमा में होने वाली इस समिट में मोदी क्या कहेंगे, अलग अलग विषयों पर क्या राय रखेंगे, इस पर दुनिया की नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे भारत के समय के हिसाब से हिरोशिमा पहुंचेंगे और यहां इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उस वक्त हिरोशिमा में रात के 8 बज रहे होंगे। 19, 20, 21 मई 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के 3 आउटरीच सेशन में शामिल होंगे। भारत अब तक कुल 9 बार G7 समिट में शामिल हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी 4थी बार हिरोशिमा में G7 के ग्लोबल मंच पर पहुंचेंगे और हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी के जोरदार स्वागत की तैयारियां भी की गई। ऑन द इनविटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर किशिदा, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब कल हिरोशिमा पहुंच रहे हैं। हम उनको रिसीव करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। India is participating in the G7 summit, which is a historic summit held in Hiroshima city, on the historic city. So, आपको पता है किशिदा had, Mr. Prime Minister Kishida had gone to India in March. हमारा Prime Minister साहब के मुलाकात हुआ है, उसमें इनको invite किया है जापान आने के लिए और हमारा Prime Minister साहब ने वो invitation accept किया है, इसलिए वो visit कल हो रहा है। Quad की शिखर वार्ता जो सिडनी में निर्धारित थी और जो जो जिन कारणों से, और वो कारण आप सब लोगों को ज्ञात हैं कि वो नहीं हो रही, और अब वो ये प्रयास क्वाड के चारों देश कर रहे हैं कि हिरोशिमा में चारों नेताओं की, शीर्ष नेताओं की उपस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए क्वाड की जो शिखर वार्ता है वो हिरोशिमा में की जाए। भारत और जापान के रिश्ते पहले से ही अच्छे रहे हैं और हिरोशिमा में मोदी को बुलाना उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन तक जापान में रहेंगे। इस दौरान G7 समिट के अलावा वर्ल्ड लीडर्स के साथ भी उनकी 1-to-1 मीटिंग होगी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिरोशिमा पहुंचेंगे तो यहां पर कुछ खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि भारत इस कार्यक्रम में एक गेस्ट कंट्री के तौर पर शामिल हो रहा है और पीएम मोदी 3 दिनों तक जापान के हिरोशिमा में मौजूद रहेंगे। इससे पहले भारत लगभग 9 G7 के आउटरीच समिट में हिस्सा ले चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रतिनिधि के तौर पर 10वीं बार G7 के इस समिट में हिस्सा लेंगे। तो काफी ज्यादा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिरोशिमा तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के टॉप लीडर्स में एक है। यही वजह है कि जापान में पीएम मोदी दुनिया को दिशा देने वाली मीटिंग का अहम हिस्सा बनेंगे। G7 की बैठक में पीएम मोदी, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज,
और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ देखेंगे। हिरोशिमा में G7 की मीटिंग के साथ बड़े नेताओं की आपसी मुलाकात भी होगी, यानी दुनिया की बात करने के अलावा आपसी रिश्ते, इकोनॉमी और एनर्जी सुरक्षा पर भी बातचीत होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट समिट है और इंडिया, आपको पता है, हम सबसे बड़ा पॉपुलेशन का कंट्री है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम G20 का चेयर हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। सो हमारा पार्टिसिपेशन ये G7 समिट में बहुत इम्पोर्टेंट है और हम मुझे अभी इसमें बहुत आउटरीच सेशंस हैं, पूरा में हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब पार्टिसिपेट कर रहा है और हम इसका और इसके अलावा बायलैटरल का मीटिंग भी होगा, सो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। जापान ने G7 की बैठक के लिए हिरोशिमा को चुना है, इसके पीछे भी वजह बेहद खास है। जापान यहां से पूरी दुनिया को शांति का संदेश देना चाहता है और भारत ने भी अपनी विदेश नीति में हमेशा शांति की वकालत की है। जापान G7 का आयोजन हिरोशिमा में कर रहा है। हिरोशिमा वो जगह है जहां पर विनाशकारी परमाणु बमों से हमला किया गया था, पूरे शहर का नामो निशान मिट गया था। और खास बात यह है कि जब आप G7 के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर यह संदेश लिखा होगा कि G7 का आयोजन हिरोशिमा में कराने के पीछे मुख्य कारण यह है कि दुनिया को शांति का संदेश दिया जा सके और परमाणु रहित जो हथियार हैं, जो परमाणु से रहित दुनिया है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, यानी एटम बम से मुक्त दुनिया को रखने का संदेश जापान यहां से देना चाहता है। पीएम मोदी हिरोशिमा के पीस मेमोरियल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये वही जगह है जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया था और यहीं से महात्मा गांधी का शांति संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। इस वक्त हम हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पार्क का दौरा करेंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिरोशिमा के G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं तो पीएम मोदी पूरी दुनिया को हिरोशिमा से शांति का ही संदेश देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हिरोशिमा का जो ये पीस मेमोरियल है, इसमें महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये एटॉमिक डोम है, यहाँ से लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई जाएगी। महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ ही भारत यहाँ से शांति का ही संदेश देने का प्रयास कर रहा है। G7 विकसित देशों का एक पावरफुल ग्रुप है। इसके सदस्य देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, लेकिन हिरोशिमा में पावरफुल देशों का ये जमावड़ा चीन को भी परेशान करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिरोशिमा में होंगे तो सिर्फ G7 की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। अब चीन को बेचैन करने वाले भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप यानी क्वाड की बैठक भी हिरोशिमा में हो रही है। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट में भी हिस्सा लेंगे। पहले इस बैठक को सिडनी में होना था, लेकिन अब ये बैठक भी हिरोशिमा में की जा रही है, यानी चीन के और नजदीक क्वाड के नेताओं की मुलाकात होगी। हिरोशिमा में क्वाड की बैठक इसलिए की जा रही है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द कर दिया है। बाइडेन ने अमेरिका के कर संकट की वजह से ये दौरा रद्द किया है और बाइडेन की वजह से ही इस कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। फिलहाल जापान प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए तैयार है और जापान में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी बताती है कि वैश्विक मंचों पर भारत कितनी मजबूती के साथ अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और दुनिया के लिए भारत को नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। विशाल पांडे, Zee Media, हिरोशिमा। Zee News.